थी कर डोमिनिया पुल स्थित महिंद्रा फाइनेंस। मैं करीब 7 से 8 व्यक्ति घुसे हैं 10:30 बजे, और बैंक एम्प्लॉयज़ जो करीब 4 थे, एक कस्टमर था, उनकी मदद से जिनके पास वॉल्ट की चीज़ थी, और कैशियर से जितना अभी तक कर्मियों द्वारा बताया जा रहा है करीब 8.5 लाख रुपये इन अपराध कर्मियों द्वारा यहाँ से लेके ये लोग भागे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां महिंद्रा फाइनेंस के कार्यालय से 10 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें, अपराधियों ने जो वहां स्टाफ काम कर रहे थे महिंद्रा फाइनेंस कार्यालय में, उन सारे स्टाफ को, सारे कर्मचारियों को एक रूम में बंद कर दिया, लॉक कर दिया। उसके बाद वहां से 10 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को लॉक करके हथियारबंद अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना शनिवार को मिलता थाना क्षेत्र इलाके में हुई, जहां श्रीरामपुर टोला की है। थाने के महज कुछ ही दूर पर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई है, साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर इलाके में छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है। दोपहर करीब 4 की संख्या में नकाबपोश अपराधी पहले ग्राहक बनकर हथियार के साथ महिंद्रा फाइनेंस ऑफिस में पहुंचते हैं, कुछ काम को लेकर कर्मियों से बात करते हैं। उसके बाद अचानक अपराधी ने हथियार निकालकर फाइनेंस के सभी स्टाफ को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया और मारपीट कर लॉकर में बंद कर दिया। साथ ही कैश काउंटर से करीबन 10 लाख रुपए और अन्य संघ कर्मियों के पर्स से करीबन 50,000 निकाल कर फरार हो गए। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी का क्या कहना है, आप वो भी सुने। थाना को डोमिनिया पुल स्थित महिंद्रा फाइनेंस। मैं करीब 7 से 8 व्यक्ति घुसे हैं 10:30 बजे, और बैंक एम्प्लॉयज़ जो करीब 4 थे, एक कस्टमर था, उनकी मदद से जिनके पास वॉल्ट की चीज़ थी, और कैशियर से जितना अभी तक कर्मियों द्वारा बताया जा रहा है करीब 8.5 लाख रुपये इन अपराध कर्मियों द्वारा यहाँ से लेके ये लोग भागे। मौके पे FSL की टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट ब्यूरो और CCTV कैमरा खंगालने के लिए टेक्निकल टीम्स लगी हुई है। जल्द इसमें कुछ अग्रतर कार्रवाई होगी। कितने की संख्या में अपराधी थे कुछ पता? 7 से 8 व्यक्ति इसमें अपराधी थे, जो जिनके पास बताया जा रहा है कि सबके पास हथियार। कितने देर में घटना को अंजाम दिया? ये 10:30 बजे घुटे थे, घुसे थे, और 12 बजे इनने इन एम्प्लॉयज़ को यहाँ से छोड़े थे करीब 1.5 घंटे के लिए। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां महिंद्रा फाइनेंस के कार्यालय में कर्मचारियों को बंद करके हथियार के बल पर 10 लाख रुपए लूट लिए गए। साथ ही जो वहां कर्मचारी थे उनसे भी करीब 50,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। साथ ही अपराधियों ने जो वहां कर्मचारी थे उनकी फोटो भी खींची है, और साथ ही ये धमकी भी दी थी कि अगर वो पुलिस को इस घटना की जानकारी देते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। जान से मारने की धमकी देकर अपराधी वहां से फरार हो गए हैं। हालांकि इस वक्त जो पुलिस की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। महिंद्रा फाइनेंस कार्यालय के कर्मचारियों के बीच इस वक्त दहशत का माहौल है। वो पुलिस को भी घटना की जानकारी देने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपराधियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब लगातार छापेमारी चल रही है। नकाबपोश अपराधी थे ये, नकाब पहनकर आम नागरिक की तरह घुसे थे, कुछ काम का बहाना लेकर कार्यालय में घुसे थे। उसके बाद अचानक हथियार निकालकर हथियार के बल पर उन्होंने इस लूट को अंजाम दिया है। आपको बता दें एक बार फिर कि 10 लाख रुपए की लूट महिंद्रा फाइनेंस के कार्यालय से की गई है। अब पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुट गई है। इसको लेकर अब पूरे इलाके में छापेमारी का भी जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ खबर सामने आती है, अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक होती है, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।